सब नियुक्ति हो जाएगा, उसके बाद ककरा पर दहाड़ मारिएगा? आप दहाड़ मारिएगा जरूर, लेकिन दहाड़ दहाड़ के रोइएगा कि हमारा सब बाहर वाला लूट के लेके चल गया, अब हम का करें, और तब आपको दहाड़ दहाड़ के रोना पड़ेगा 2024 में। ये वो शेर का बच्चा है जो लंबी छलांग के लिए दो कदम पीछे आया है। ये कभी दो कदम पीछे बोलते हैं चढ़ जाते हैं, कभी चार कदम आगे चढ़ जाते हैं, कभी 10 कदम दहिना चलते हैं खर बाएं। इनको तो मिलिट्री में होना चाहिए। ये बोलेंगे सब कुछ समझ में आ रहा है, खुटवा वहीं गड़ेंगे, तो क्या समझे भाई? इतना आंदोलन कर रहे हैं नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन विधायक का वेतन बढ़ना था, एक भानु प्रताप बोले और सबका वेतन बढ़ गया। झारखंड झारखंडियों के लिए ना जी है, अब यहाँ पर टीचर बंद कर करके पंजाब वाला आ जाएगा, क्या पढ़ाएगा? वो तो दिन रात आते आने जाने में खाली वेतन उठा के ले चल जाएगा दूसरा राज्य वाला। हम कभी अंदरी बाहरी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ यही कहिए नियोजन नीति लाने के पहले कि आप जो फार्म भरने का है, क्या आपका आप झारखंड के निवासी हैं, और हैं तो आपका आवासीय प्रमाण पत्र का नंबर डालिए, तभी फार्म खुलना चाहिए। अरे अभी जो जितना उछल रहे हैं ना, बता रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं ना, यही मनोज यादव का बात मानना पड़ेगा सरकार को। अरे उस समय कान धर के रोएंगे कि गलती हो गया, माफ कर दो। दो कदम पीछे गए हैं, तो हम सिर्फ उनको यही कहना चाह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, दो कदम पीछे जाने के चक्कर में कहीं सबको पीछे तो वही दो कदम में ढूक ना जाए। आप जो तो उसके बाद दहाड़ मारते रह जाइएगा, सब नियुक्ति हो जाएगा, उसके बाद ककरा पर दहाड़ मारिएगा? आप दहाड़ मारिएगा जरूर, लेकिन दहाड़ दहाड़ के रोइएगा कि हमारा सब बाहर वाला लूट के लेके चल गया, अब हम का करें, और तब आपको दहाड़ दहाड़ के रोना पड़ेगा 2024 में। वह बिहार का देख लीजिए, बिहार में आज शिक्षक नियुक्ति नियमावली आई है 2023, जिसमें 3 लाख शिक्षकों की भर्ती है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है क्या आप बिहार के निवासी हैं, तभी आप उसको भरिएगा। अगर यदि छत्तीसगढ़ में निकला क्या आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तभी आप भरिएगा। यहाँ तो सिर्फ यही कह रहे हैं, हम कभी अंदरी बाहरी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ यही कहिए नियोजन नीति लाने के पहले कि आप जो फार्म भरने का है, क्या आपका आप झारखंड के निवासी हैं, और हैं तो आपका आवासीय प्रमाण पत्र का नंबर डालिए, तभी फार्म खुलना चाहिए। अगर 2000 पहले से भी अगर यदि कोई यहाँ पर आया हुआ है, सीएम की दहाड़ से क्यों इतना ये हो गया कि कभी बंद बुला ले रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, आवाज घेराव करने कर रहे हैं? इंतजार कीजिए ना, नौकरी मिलेगा आप लोग को। कैसे बाबू ने इंतजार करेंगे? आप इंतजारे करते करते हमारा फुसलैले रह जाइएगा, आलमगीर आलम फुसला दिए और उसी दिन विज्ञापन निकाल दीजिए। अभी अभी बोल रहे हैं हम 2 कदम पीछे गए हैं, सबको ढूक जाएगा, आप पीछे रह जाइएगा, तो हम कहाँ जाएंगे? आप जो है सो वो बात, काहे अभी 2 कदम पीछे गए हैं, अभी 4 कदम आगे आइए, तब कभी आपको 2 कदम पीछे नहीं जाना पड़ेगा। कब बोलता है कि शेर ये देख रहे हैं, शेर को बोल 2 कदम पीछे जाता है? अगर 2 कदम यही आलसपना करते रहेगा शेर ना, शेर भी कितनों मजबूत है, आपको उसके मुंह में जो शिकार नहीं आता है उसको मेहनत करना पड़ता है। तो आप जो 2 कदम पीछे, 2 कदम पीछे, 3 साल से सुतल रहे, ओके हम 2 कदम पीछे नहीं थे, आप 3.5 साल से सोए रहे, और जब आप देने की बारी आई तब 2 कदम पीछे जा रहे हैं, तब कुल मिलाकर के 5 साल सुतले रह जाइएगा। बताइए ना 60-40 क्या, बन्ना गुप्ता ही बोल रहे कि 60-40 क्या है, टेम्पोररी है कहते हैं। अरे भैया तो टेम्पोररी है तो कहिया का टेम्पोररी है, हम वो टेम्पोररी 60-40 जो ला रहे हैं सो टेम्पोररी, आप थी रघुवर दास की तरह जो है, आप टेम्पररी जो 60-40 ला रहे हैं रघुवर दास की तरह जो है, सो टेम्पररी ला करके 10 साल के लिए लॉक नहीं कर सकते झारखंड को? झारखंड को लॉक करिए, पूरे बता रहे हैं रघुवर दास जी, जब जिला लॉक कर दिए तो आप तो बड़का 32 के खतियानदारी हैं, आप क्या आप राज्य को लॉक नहीं कर सकते? इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, 2 कदम 3 कदम आगे पीछे मत होइए, नहीं अकलम साहब ढूक जाएगा। आप जो है सबसे पहले वह पूरे, जब जिला लॉक हो सकता है तो राज्य लॉक क्यों नहीं हो सकता है? आप पहले जो है यहाँ तमाम युवाओं के लिए आप 10 साल के लिए लॉक करिए, क्योंकि आप पर भरोसा 1932 के आप ही को झारखंडी समझ करके वोट दिया था, हेमंत भैया करके वोट दिया था, नहीं तो एक रथ बढ़िया तो भाजपा है जो कि कम से कम जिला लोक तो किया था, यहाँ के लोगों को लोकल लोगों को तो नौकरी दिया था। आप जब बोल रहे हैं कब देगा, सब नौकरी जब चल जाएगा तब हमारा पकड़ के निकालेगा, बोला अब निकल तुम, देखते हैं तुम कितना नौकरी में झारखंडी को ना मिलेगा, किसको मिलेगा? अरे भैया जब स्पष्ट बोल रहे हैं 60-40-40 मैंने ओपन टू ऑल,
आप बोल रहे हैं कि आप इस राज्य का निवासी पूछिए नहीं रहे, आप पूछ रहे हैं कि क्या आप भारत के निवासी हैं। तो पूरे जो है कोई वह पंजाब रहे, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, जो सब तरह से आ जाएगा। तो ये झारखंड झारखंडियों के लिए ना है जी, है। अब यहाँ पर टीचर बंद कर करके पंजाब वाला आ जाएगा, कहाँ पढ़ाएगा वो? तो दिन रात आते आने जाने में खाली वेतन उठा के लेके चल जाएगा दूसरा राज्य वाला, उसका क्या झारखंड से क्या इमोशनल अटैचमेंट होगा? इसलिए ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अरे अभी जो जितना उछल रहे हैं ना, बता रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं ना, यही मनोज यादव का बात मानना पड़ेगा सरकार को। अरे उस समय कान धर के रोएंगे कि गलती हो गया, माफ़ कर दो, जनता से यही हाथ जो करके माफ़ी भी मांगेंगे। डेढ़ साल बचा हुआ है, आप लोग ऐसा घेरते रहिएगा तो सरकार काम कब करेगी? अरे भैया डेढ़ साल हम बताए, छः महीना में हमको आप बताइए ना, हमको छः महीना वहाँ बैठने दीजिए जी, ये गो लड़का का बेरोजगार नहीं रहने देंगे। सब जितना नियुक्ति का है, जितना सीट खाली, छः महीना में उन लोगों को नियुक्ति पत्र हाथ में दे देंगे, मजा करेगा छः महीना में। झारखंड लाइव की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।